आज जो है जो देखे होंगे रास्ते में वट सावित्री का पर्व है, देखे हैं, देखे होंगे। ये बहुत अच्छा चीज है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया था क्योंकि वट वृक्ष जो होता है या पीपल का वृक्ष या नीम का पेड़ या तुलसी, ये ऐसा पौधा है जो कि दिन रात ऑक्सीजन देता है, दिन में भी और रात में भी। और बहुत सारे और पौधे एकदम अपवाद स्वरूप पौधा है जो रात में और दिन में, क्योंकि पौधे तो दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ कब ऑक्सीजन देते हैं, दिन में, क्योंकि दिन में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसी क्रम में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हम जंतुओं के लिए, हम जीवों के लिए वो प्राण वायु है, ठीक ना। लेकिन ये पौधा, ये पेड़, ये बरगद, ये पीपल, ये नीम, ये तुलसी, ये ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जो कि दिन रात, रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बनाया है कि इनको पूजिए, इनका पूजा करिए, समझ रहे ना, पूजा करिए, इनका रक्षा करिए। ये पौधा धरती पर से नहीं हटना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्राण वायु है। अभी जेठ के महीना में जब धरती सूखने लगती है तो हमारे पेड़ पौधों का जो जड़ है वहां तक पानी नहीं जा पाता है। इसीलिए देखती होगी कि नीम के पेड़ में जेठ के महीना में पानी डालने का प्रावधान है ना। ये देखती होगी कि घर की महिलाएं खास करके जो है वो जाती है पानी डालना है नीम के पेड़ में, क्योंकि जेठ के महीना में धरती सूखी रहती है तो हमारे नीम के पेड़ भी सूख जाएंगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए ये ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बना दिया, हमारे धर्म में लिख भी दिया है कि आपको ऐसा करने से पुण्य होता है, बिल्कुल पुण्य होगा। अगर हम प्राण वायु को रक्षा करेंगे तो पुण्य होगी कि नहीं, तो ये बहुत अच्छा चीज है ये वट सावित्री। और सावित्री का जो कथा है वो बाद में सुनना, किस तरह से अपने पति को लौटा के ले आई थी जमराज के यहाँ से, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। ये होना चाहिए हमारे समाज में ये पूजा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग पेड़ पौधों में जल डालिएगा ना, डालना है ना, बचाना है ना, यशम करने से नहीं होगा। हाँ देखिए वहां पर गमला देख रहे हैं ना, वो सब वहां पर था लेकिन वो सूख गया है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, याद रखिए, हाँ करने से होता है। कोई भी काम मुंह से बोलना तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना, तो करना चाहिए, इसे पुण्य मिलता है, बिल्कुल पुण्य मिलेगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, वट सावित्री पूजा का सभी को शुभकामनाएं। चलिए।